प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते आमजन तो परेशान हो रहा है, वहीं पशु पक्षी भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। लेकिन बहरोड में बच्चों को गर्मी से बचाने का एक अलग ही तरीका सामने आया है। जहां गाड़ी में एसी नहीं होने से छोटे छोटे बच्चे गर्मी की मार झेल रहे थे, गाड़ी चालक गजराज ने बताया कि उसने अपनी गाड़ी टेम्पो ट्रैक्स स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगा रखी है। लेकिन पिछले कई दिनों से प्रदेश में गर्मी तेज पड़ रही है, जिसके कारण गाड़ी में बैठे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते थे। मेरे मन में एक विचार आया कि गाड़ी में एसी तो काम करेगी नहीं, तो क्यों ना कूलर ही लगा दिया जाए, ताकि बच्चों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। उसके बाद मैंने एक गाड़ी वर्कशॉप पर जाकर पूछा कि क्या मेरी गाड़ी में छोटा कूलर लग सकता है। वर्कशॉप में काम करने वाले लोगों ने कहा, हाँ छोटा कूलर लग जाएगा। उसके बाद मैं तुरंत ही एक छोटा कूलर खरीदा और गाड़ी में स्टैंड लगाकर कूलर चालू करवा दिया। गजराज, आपने जिस तरह गाड़ी में कूलर लगा रखा है, जिस तरह तो क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? किस तरह ये स्कूल में लगा रखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे तो गर्मी से इतने परेशान होने लग गए, तो एक तो बैग भी उनका हैवी था, फिर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे बच्चे। तो मैंने सोचा वैसे तो पार नहीं पड़ेगी, पंखे हैं, पंखे भी गर्म हवा देंगे, एसी है, एसी कामयाब है नहीं, फाटक खोलते वक्त फिर गर्म हो जाएगी, फिर वो दोबारा उस टाइम प्रेशर बनेगा नहीं उसका, तो इससे बढ़िया कि उन्हें कूलर लगा लिया जाए। तो इसलिए मैंने विचार आया था, फिर मैंने ये कूलर लगाया, इससे बच्चों को राहत मिली। कहाँ से लगवाया था और किस तरह अब राहत मिलती है, क्योंकि भीषण गर्मी जो पड़ रही है? इसमें ये है कि इसमें पानी चलता है, जो कि डीसी की मोटर है, जो कि पंखे और पानी की मोटर ये डीसी की है, जो कि बैटरी से चलती है, जितनी खर्च होती है उतना अल्टरनेटर से चार्ज भी हो जाती है बैटरी। तो गाड़ी पे कोई दबाव नहीं पड़ता है? नहीं, गाड़ी पे कोई दबाव नहीं पड़ता इससे, तो बच्चे अब शांतिपूर्ण रहते हैं गर्मी? बिल्कुल एकदम, सारे बच्चे आराम से ठंड में रहते हैं, सारे बच्चे एकदम से।